अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइफ। क्या हाल है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही मज़े की जगह पर, जहाँ पर आप करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय। तो इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। यस, इट्स अ बर्थडे पार्टी, जहाँ पर हमने किया बहुत इन्जॉय, बच्चों ने बहुत फ़न किया और अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था और बहुत ही मज़ा आया। तो यह जनाब फार्म हाउस मेरे कज़न का गांव में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही वेल मेंटेन्ड और हर चीज़ इसकी बहुत ही खूबसूरती से जो है डिज़ाइन की गई है, रखी गई है। यहाँ अनेक्सी की जो वीडियो क्लिप्स हैं ना, वो मुझसे पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। तो ये ग्लास रूम था बाहर, तो इसके मैंने क्लिप्स बनाए थे। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा जो सरप्राइज़ है वो है पूल पार्टी। यहाँ बच्चों ने, तो बच्चों ने, बड़ों ने बहुत इन्जॉय किया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। हम लोग बचपन में भी ऐसे आया करते थे और बहुत हम लोग भी फ़न किया करते थे। तो आजकल के बच्चे जो हैं, उनकी जो रूटीन्स हैं, उनकी जो स्टडीज़ हैं, उसमें उनको टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने का। तो यहाँ जनाब सब जा चुके थे, रात बहुत हो चुकी थी, तकरीबन 4 घंटे हो चुके थे मैं आए हुए और रात का टाइम था, सब चले गए थे, सब कुछ वाइंड अप हो गया था। मगर मेरे बच्चे जो है बिल्कुल नहीं जा रहे थे, उनको मैंने पूल से इतना मुश्किल निकाला कि वो निकल ही नहीं रहे थे। तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं ऐसे इस तरह के इन्वायरमेंट को, हम भी इंजॉय करते हैं क्योंकि अब हर कोई अपनी बिज़ी लाइफ में इतना मगन हो गया है कि उसको टाइम ही नहीं मिलता। खुद स्टडीज़ इतनी मुश्किल हो गई हैं, टाइम इतना शॉर्ट हो गया है कि सुबह होती है और शाम होती है पता ही नहीं चलता। तो अगर जिनके पास ये फैसिलिटीज़ हैं गांव के, उनके पास भी जाने का टाइम ही होता, मगर इंसान को खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए ताकि वो नेचर के करीब रहे। जब आप नेचर के करीब रहेंगे तो आप हर तरह से हेल्दी रहेंगे, फ्रेश एयर। अब हमें शहरों में तो इस तरह की ना एनवायरनमेंट मिलता है, ना हमें एयर मिलती है, पोल्यूशन है वहाँ पर। तो इस तरह के माहौल में आने से ना आप हेल्दी रहते हैं हमेशा से। इसलिए पहले के हमारे बड़े जो थे वो ऐसे गाँव में रहा करते थे, देसी गिज़ाएँ खाया करते थे, तो इस वजह से उनकी जो है सेहत भी अच्छी हुआ करती थी। तो आई होप कि आपको मेरा जो व्लॉग है ना, वो बहुत पसंद आया होगा। और मैं आपसे हर टाइम रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर कोई सजेशन देना चाहे तो प्लीज़ मुझे सजेशन दें, कोई कंटेंट आप देखना चाहते हैं कि मैं आपको वो दिखाऊं, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप क्या देखना पसंद करेंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।